हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। जैसे कि कल थी तीज तो आज है गणेश चतुर्थी। आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। और अभी जा रही हूँ मैं गणेश जी के मंदिर दर्शन करने के लिए, और मेरी कुछ मन्नत थी और वो कुछ टाइम से डिले हो ही जा रही थी, पर गणेश चतुर्थी से अच्छा अवसर क्या मिलेगा, तो आज ही जाएंगे हम गणेश जी को भोग लगाने के लिए और हमारी मन्नत करेंगे पूरी। तो चलिए चलते हैं गणेश जी के दर्शन करने के लिए। अब मैं लेके जा रही हूँ मेरा गोपू, तो गोपू के साथ हम करवाएंगे आपको गणेश जी के दर्शन। चलिए कर ली है कि आज वो गिर गया है पूरा ये। भोग लगा दिया है और अब चलते हैं घर पे जाके सबको प्रसाद बांटते हैं, क्योंकि भोग चढ़ाया हुआ तो प्रसाद ही होता है हम सबके लिए, सबको प्रसाद बांटते हैं। चलो अब घर पे। अभी हम हमारे माता जी को भी भोग लगा देंगे। आपको पता ही है जैसे कि हमारे घर पे माता जी स्थापित हैं। एक प्लेट ले हम चुकंदर से। ऐसे क्यों करते हैं? भगवान जब भोजन ले रहे होते हैं या फिर भोग ले रहे होते हैं तब हवा करते हैं ना, गर्मी लगती है, तो इसलिए। अभी मेरा खाना वगैरह सब कंप्लीट हो गया है और आज है जैसे कि गणेश चतुर्थी, तो घर पे गणेश जी की पूजा और लड्डू वगैरह चढ़ाने के लिए बाकी थे, तो वो पूजा वगैरह मैं कर लेती हूँ। मम्मी ने अर्ली मॉर्निंग कर ली थी, पर गणपति जी की पूजा होनी बाकी थी और गणपति जी की पूजा फिर आज के दिन तो होनी बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट मुहूर्त निकल गया मेरे हाथों से और मैं खाना वगैरह बनाने लग गई थी। अब नेक्स्ट मुहूर्त में करूँगी पूजा। पूजा वगैरह तो कंप्लीट हो गई है लगभग, पर मैं है ना, मैंने जो गुलर के लड्डू बनाए जो गणपति जी के फेवरेट होते हैं और इस दिन चढ़ते हैं, वो मैंने बना दिए हैं, तो वो मैं चढ़ा देती हूँ। बाहर से ले आती हूँ तुलसी का पत्ता और भोग लगा देती हूँ, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बगैर भोग अधूरा है। ये लड्डू तो लगा देते हैं भोग। भोग लग गया है, अब चलते हैं शॉप पर। तो मैं चिकू को कॉल कर देती हूँ, चिकू आ जाएंगे लेने के लिए। और कल की लग गई है, यानी कल से थोड़ी सी वीकनेस आ रही है, और ये साड़ी मेरी कल की यहीं पे सूख रही है क्योंकि बारिश की वजह से भीग गई थी इसलिए, और कल बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। मेरे फ़ोन में तो बैटरी नहीं है, 4% ही है। ठीक है, शॉप पर जाके मिलती हूँ आपसे। आ गई हूँ शॉप पर, करती हूँ कुछ काम और फिर आपसे मिलती हूँ। मैं जैसे ही आज सैलून पे आई हूँ, मुझे कुछ भी काम करने का हो नहीं रहा है, क्योंकि शायद कल जो खाया पिया नहीं है उस वजह से थकान लग रही है बहुत ज़्यादा, और मैं ऑयलिंग वगैरह करवा के सो गई थी अभी 15 मिनट की झपकी लिए, और अभी यहाँ पर चिकू आए हुए हैं, तो मैं घर चली जाती हूँ, घर पे करती हूँ रेस्ट,
शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए, शायद क्या अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए, तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, सही लगेगा। और रात को क्या लेट तक जागे थे, 3, 3:30, 4 बजने आ गई थी सोते सोते, तो आज वो प्रॉपर नींद भी नहीं मिली इसलिए थकान लग रही है। तो चलिए चलते हैं अब घर पे। अभी मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि आज मेरा व्लॉग करने का, सच बताऊँ, इतना सा भी मन नहीं है। क्या पता क्यों मेरी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही है कहीं ना कहीं। अब कल भूखे रहते, वो तो वजह नहीं हो सकती है, पर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो मैंने बनाई है यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी, और ये आटा गूंद कर रख दिया है, और अभी बनाऊँगी पूड़ियाँ। पापा और मेरे ही खाना है, चिकू के तो मिल्क आउट से डाइट में, मम्मी गए हैं बाहर, सो इसलिए मैं फटाफट से बना देती हूँ पराठे। खाना बन गया है, अब मैं खा लेती हूँ और मिट्टू को भी खाना दे देती हूँ, क्योंकि काफ़ी भूखे हो गए हैं ये लोग भी। चिकू और पापा शॉप से आने बाकी हैं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तब उनको भी खिला देंगे। खाना खाकर मैं और चिकू गए थे आज वॉक पर। आज हमने आधा घंटा बराबर से अच्छे से वॉक करी। ये अब हम रेगुलर हमारी रूटीन में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वॉक करने से हमारा जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रहता है, और कुछ टाइम हम एक दूसरे के साथ यानी प्रॉपर बिता सकते हैं, फ़ोन वगैरह नहीं चलाएंगे, तो एक दूसरे को टाइम अच्छे से दे सकते हैं। इसीलिए तो बस यही आज से डिसाइड किया है, क्योंकि सुबह का वर्कआउट तो हो नहीं पाता, क्योंकि पूरा दिन हम इतने थक जाते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो क्यों ना रात को आधा घंटा अच्छे से वॉक की जाए। तो अभी हम आए वॉक करके, और मैं अभी यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड, क्योंकि मुझे सच में व्लॉग करने की 1% भी आज इच्छा नहीं हो रही है। क्या पता अब थोड़ा सा कमर साइड में मुझे दर्द हो रहा था, पर वो वॉक करी उससे सही हो गया, ठीक लग रहा है वॉक कर, उसी के लिए हम वॉक करने गए थे, पर फिर हमने डिसाइड किया रेगुलर वॉक करेंगे अब। और अभी तो सही हूँ मैं, तो इसी के साथ मैं कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करना, और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर देना प्रेस, और शॉप करो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कर देना डाउनलोड, और मुझे कर देना इंस्टाग्राम पर फॉलो, क्योंकि इससे आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्या व्लॉग में लाने वाली हूँ, क्योंकि एक दिन पहले अपडेट रहेंगे तो मज़ा आएगा इसलिए। ओके बाय, मिलते हैं कल के अच्छे व्लॉग में।